नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं कैशलेस मास्टर। सो हमारे एक सब्सक्राइबर का डिमांड था कि वो जो पेटीएम फॉर बिजनेस में जो 20,000 की लिमिट होती है, अगर आप उससे ज़्यादा उसको मतलब आप यूज़ कर लेते हैं या फिर उसको कैसे डिसेबल कर सकते हैं। सो इस पूरा वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको भी कोई ऐसी परेशानी है पेटीएम रिलेटेड या फिर गूगल पे फोनपे कोई भी चीज़ के रिलेटेड, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा कैसा लग रहा है आपको तो आजकल वो भी मुझे आप बताएंगे जरूर यहाँ पर। और दूसरी बात ये चीज़ कि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे अपनी इस परेशानी को शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले आपको पेटीएम फॉर बिजनेस में आ जाना है। हो सकता है आपको एक ब्लैंक भी दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पूरा बताने वाला हूँ कैसे क्या करना है हमें। सबसे पहली बात, हमें यहाँ पर जो देखना है ऐसे ऊपर आ जाना है, लिमिट एंड फीस में आ जाना है हमें। सो मैं काम करता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, देन आपको समझाता हूँ, हो सकता है कि स्क्रीनशॉट से आपको कुछ मदद मिल जाए। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे आएंगे ज़रा तो यहाँ पर पेटीएम वॉलेट, पेटीएम, ये सब चीज़ों का आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कभी कभी। अब इस चीज़ को मैं यहाँ से मैं अभी यहाँ पर लॉगआउट करके दूसरा पेटीएम लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट, तो फिर आपको मदद। सो फिर मैंने यहाँ पर दूसरा पेटीएम खोल लिया। आप देखिए यहाँ पर भी सेम ऑप्शन आ रहा है, एप्लीकेशन रिजेक्टेड। ये चीज़ आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा ना तो आप समझ सकते हैं कि ये वेरीफाई और बिजनेस, क्योंकि आप 1,00,000 रुपये तक अनलिमिटेड मतलब पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, ये चीज़ आप पेटीएम की चालाकी है, आप इसको प्लीज़ इनेबल करने की कोशिश ना करें। अगर आपका बहुत बड़ा फॉर्म है, मतलब मान लीजिए आप लाखों में या फिर 10,00,000-15,00,000 का अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ही आप यहाँ पे ये सब चीज़ें करने की प्रोसेस कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा आपको, बाकी जो है आपको यहाँ पे 20,000 और पुराने जो मर्चेंट हैं उनको 1,00,000 की लिमिट दे रही है पेटीएम, मतलब पहले जैसा ही है, तो उनका कोई चेंजेस नहीं आई है। जो 1 मार्च के बाद मर्चेंट आए हैं, नए मर्चेंट बने हैं, उनको 20,000 पर मंथ की लिमिट दी जा रही है। सो मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आप जब ऑप्शन देखेंगे लिमिट एंड चार्जेस में, जब आएंगे यहाँ पर, ये पुराना मर्चेंट है इस वजह से इसमें नहीं आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर आप पेटीएम वॉलेट, अगर आप 20,000 पूरा, किसी लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई हम, अगर हमें कैसे पता चलेगा हमने 20,000 यूज़ कर लिया और ट्रांजेक्शन चार्जेस ये लगेंगे, तो आप अपना पेमेंट को यहाँ पर ट्रैक कर लीजिए आकर के। सेटलमेंट में आप डेट रेंज डालिए यहाँ से आप, और उसके बाद देन आपको क्या करना है, डेट डालने के बाद 1 तारीख से डाल दीजिए, और जो डेट प्रेजेंट में है, आप अगर मान लीजिए 20,000 आपने यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर आप उसको डाल के देख सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, सो ये ऐसे ही बता रहा है। सो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि लिमिट एंड फीस में आपको जाकर के फिर आप यहाँ से पेटीएम वॉलेट को ऑफ भी कर सकते हैं पर्टिकुलर उस मंथ के लिए, ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे ना करना पड़े। वॉलेट पेमेंट गूगल और सभी चीज़ों के लिए UPI पेमेंट यहाँ पर अनलिमिटेड है। बैंक से पेमेंट करेगा कोई भी, नेट बैंकिंग से, तो वो भी फ्री है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको पोस्टपेड और ये सब चीज़ों का भी एक्टिवेट आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 1.99% प्लस GST है, यानी कि कुल मिलाकर 2% लगता है यहाँ पर। डेबिट कार्ड पर आप जाएंगे तो मैंने उनको वहाँ पर भी वही समझाया था कि 2,000 तक का कम से मतलब 2,000 तक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 0.4% प्लस GST, यानी कि आप GST इंसेंस लगा सकते हैं यहाँ पर, कितना होगा 1% मतलब जोड़ लीजिए, तो यानी कि कुल मिलाकर ये 1% लगेगा। और ये जो है आपका 0.9% प्लस GST, इसको भी आप 1.30% तक आप लगा सकते हैं। अब इसको ये एक्टिवेट करेंगे तो इतना चार्ज लगेगा अगर आप 20,000 से ऊपर लिमिट क्रॉस करते हैं, तो ये चीज़ आप नहीं करें तो मेरा यही कहना है आपको कि ना करें आप, तो ये अच्छा है। प्लस आप इसको अगर करते हो तो यहाँ पे आपको 2% चार्ज देना पड़ेगा, कंपलसरी है ये चीज़ में। सो ये चीज़ आपको नहीं करना है, मैं तो यही बोलूँगा, बिकॉज यहाँ पर ये पेटीएम की चालाकी होती है। और इसमें अगर आप 1,00,000 की कर देते हो अनलिमिटेड तो हो जाएगा, लेकिन जो है ना उसमें चार्ज जो अभी दे रहे हो ना, उससे 2-3 गुना चार्ज लगेगा। तो ये चीज़ मेरा कहना है कि आप इसको ना करें। अब सबसे मेन फंडा जो आज हम बात करने वाले थे, वो यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको मैं। अगर मान लीजिए आपने 20,000 की लिमिट पूरी एग्जॉस्ट कर ली है, मैं इसके लिए कैलसी खोल लूँगा यहाँ पर, 20,000 रुपये की लिमिट आपने यहाँ पर पूरा वापर लिया है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर अगर मान लीजिए 1 रुपये भी आप करते हो ना, तो अगर 20,000 1 रुपये लगाओगे तो समझ लीजिए आपकी 20,000 रुपये का आपका खो गया, 1 रुपये पे आपको 2% चार्ज देना पड़ सकता है यहाँ पर, तो यानी कि 0.02 पैसा लगेगा यहाँ पर आपको। मान लीजिए 1,000 रुपये आपने वापरा, तो उस पर अगर 2% लगाते हैं तो 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कुछ यहाँ पर, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर ज़्यादा है तो आप UPI पेमेंट ले लें यहाँ पर, लिमिट एंड फीस जो आप जाएंगे वहाँ से आप पेटीएम वॉलेट को ऑफ कर दीजिए, सीधा सिंपल सा फंडा है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसी ही कोई भी और परेशानी लग रही है तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ पर ज़रूर बताइएगा आपका। और जो इन्होंने एक सब्सक्राइबर ने डिमांड करी थी, तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन भी किया है और उनको मैं जवाब भी देता रहता हूँ यहाँ पर। तो देखिए आप, मैं बताता हूँ, मेरे यहाँ पर व्यू मोर पर जाऊँगा और यहाँ आप देख सकते हो नीचे मैंने थोड़ा नेट स्लो चल रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने इधर नीचे लिखा है, जो कि आप देखिएगा इन्होंने लिखा है भाई ने, अभी इनका पूरा 11 रिप्लाई दिए हैं, मतलब आसपास में हमारी बातें हुई थी। अब देख सकते हैं पूरा मैंने यहाँ पर इन्होंने सब इनका सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया है और जो चीज़ था वो सब यहाँ पे बता दिया। डेबिट कार्ड ये सब देख सकते हैं आप कैसे क्या लिखा है यहाँ पर।
पे खुद पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मेरी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।